हे एवरीवन, अगर आप एडिटिंग करते हो, सीखते हो या फिर सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने वाला है। तो आपने मोस्ट ऑफ द पीसी रिकमेंडेशन वीडियो देखे होंगे, वहाँ पे लोग जब एडिटिंग के लिए पीसी बताते हैं तो मोस्टली जो बजट होता है वो अराउंड 60-70 हज़ार तक जाता है। और हमने भी कुछ पिछले वीडियोज में उसी टाइप के बजट को कंसिडर करके एडिटिंग पीसी रेकमेंड किया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम लो बजट के पीसी में एडिटिंग नहीं कर सकते? तो ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम ये 10,000 वाले पीसी में किस लेवल की हम एडिटिंग कर सकते हैं वो चेक करेंगे। तो आपको पता होगा कि हमने चैनल पे थोड़े ही महीनों पहले ये 10,000 वाला पीसी बिल्ड किया था एज अ चैलेंज। तो आज हम इसी पीसी में एडिटिंग करके चेक करने वाले हैं और ट्रस्ट मी गाइस, आपको इस वीडियो में शॉकिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो पीसी हमने यूज्ड कंपोनेंट यूज करके बनाया था, और अगर आपको इसके स्पेक्स नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, इसमें हमने प्रोसेसर i3 थर्ड जनरेशन यूज किया है, उसके साथ जो ग्राफिक कार्ड है वो है Zotac की तरफ से GT730। रैम हमने इसमें 4GB का यूज़ किया है और इसी के साथ साथ हमने 240GB की SATA SSD डाली है। तो देखते हैं इस PC का एडिटिंग परफॉर्मेंस। तो गाइस, एडिटिंग टेस्ट करने से पहले थोड़े बीरोल्स ले लेते हैं ताकि हमको एडिटिंग के लिए थोड़े फुटेजेस मिल जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम 1080p फुटेज रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम 1080p में एडिट करके देखेंगे कि वो कैसी परफॉर्म कर रहा है, और उसके बाद हम 4K भी ट्राई करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं 1080p में कुछ बीरोल्स ले लेता हूँ। तो गाइस, जो भी शॉट्स हमने लिया था उसे हमने कर दिया है एडिट। तो चलिए इसे देखते हैं। तो गाइस, ये वीडियो ऑलमोस्ट 1 मिनट तक का है, तो इसमें आप देख सकते हो हमारे बहुत सारे फुटेजेस हैं, उनमें मैंने कलर ग्रेडिंग भी की है, आप यहाँ से देख सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कलर ग्रेडिंग किया है। प्लेबैक आपको 1/4 पे करके चलाना होगा, आप फुल पे अगर करोगे तो आपको लैग देखने को मिलेगा। अगर 1/4 पे है तो ये लैग उतना नहीं करेगा, ऑलमोस्ट स्मूथ रहता है। तो टेक्स्ट एनिमेशंस किए हैं, शॉर्ट्स के बीच में मैंने ट्रांजिशन डाले हैं, यहाँ आप देख सकते हो कुछ साउंड इफेक्ट भी डाले हैं ताकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ सके। तो हम चेक कर सके कि कितना लेवल का एडिटिंग हम इस पर कर सकते हैं। कुछ फुटेजेस में इफेक्ट्स भी डाले हैं, जैसे कि गॉर्जियन ब्लर हो गया, और कहीं कहीं मैंने वॉर्प स्टेबलाइजर का भी यूज़ किया है। तो गाइस, मैं अपना एडिटिंग एक्सपीरियंस बताऊँ ना तो काफ़ी अच्छा रहा है, मैं उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था इससे, बट स्टिल इसने काफ़ी अच्छी जॉब की है। मुझे ये चिंता थी कि इसमें 4GB रैम है तो मे बी ये क्रैश होता रहे बार बार, बट ऐसा नहीं हुआ एडिटिंग के टाइम। मुझे अभी तक तो कोई ये लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। बट हाँ, अगर आप बहुत सारे क्रोम टैब्स वगैरह सब खोल के एडिटिंग वगैरह करते हो तो वो शायद से आपको प्रॉब्लम दे सकता है, तो वो चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये ऑलमोस्ट हमारी 1 मिनट की सैम्पल वीडियो है, तो चलिए इसे एक्सपोर्ट करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 2 मिनट कुछ बता रहा है, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि इसमें मैं एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा अच्छी एडिटिंग हुई है। तो गाइस, सच में ये 2 मिनट में ही एक्सपोर्ट हो गया, काफ़ी कम टाइम लिया इसने। मेरे को लगा था कि ये मे बी 5 मिनट तक लेगा, बट काफ़ी सही लगा मुझे ये चीज़। इसमें i3 थर्ड जेन का प्रोसेसर है तो भी काफ़ी अच्छी लेवल की एडिटिंग मुझे लगी इस चीज़ के लिए, क्योंकि 1080p बेसिक वीडियो, समझ लो आप कोई रील वगैरह बना रहे हो तो उसमें क्या ही है, मतलब आप आराम से इसमें एडिटिंग कर सकते हो। तो ये था 1080p वीडियो। अब जाते हैं हम नेक्स्ट लेवल पे, हम टेस्ट करते हैं 4K एडिटिंग। सो गाइस, अब तक आपने जितना भी वीडियो देखा वो था 4K, और हमने इसी 10,000 वाले PC बिल्ड में ये एडिट किया है। बट गाइस, इसमें मुझे काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े, जैसे कि मेरा जो प्राइमरी फुटेज था उसका मैं प्रॉक्सी नहीं बना पा रहा था। आई डोंट नो वो क्यों नहीं हो रहा था, बट मेरे दूसरे PC में वो प्रॉपरली वर्क कर रहा था, बट इस PC में वो प्रॉक्सी नहीं क्रिएट कर पा रहा था। तो बिना प्रॉक्सी के तो आपको पता है कि 4K फुटेज इस PC में क्या होगा, बहुत बुरी तरह लैग कर रहा था। तो मैंने उस PC से प्रॉक्सी बना के यहाँ पे यूज़ किया, उसे कनेक्ट किया और फिर मैंने सारे एडिट्स किए। सो ऑफकोर्स गाइस, मैं ये 4K के लिए तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा, बट कैसा है कि मैं आपको दिखा रहा था कि कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर 4K फुटेजेस भी आप यूज़ कर सकते हो। बाकी सारे फुटेजेस जो थी, मोस्ट ऑफ द फुटेजेस आराम से प्रॉक्सी बन गया और वो अच्छे से चल रही थी, और दोनों में कुछ भी मेरे को उतना दिक्कत आने नहीं मिला है। बट अब हम टेस्ट करेंगे कि ये कैसे रेंडर करता है, तो कितना टाइम लेगा ये रेंडर करने में। तो गाइस, चलिए करते हैं इसे रेंडर। तो गाइस, यहाँ पे अराउंड 50-60 मिनट्स बता रहा है रेंडर का टाइम, बट जैसे कि मैंने आपको 1080p फुटेज में दिखाया कि 1080p में कोई भी उतना बड़ा इशू नहीं आ रहा था। तो बस अभी आपको कभी कभी रेंडर टाइम ज़्यादा झेलने को मिलेगा ऐसे टाइप के PCs में। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है गाइस कि आप कम बजट वाले PCs में भी एडिटिंग कर सकते हो अच्छे लेवल की। इनफैक्ट अगर आप इसमें i3 की जगह i5 यूज़ करते और 8GB रैम यूज़ करते तो आपको परफॉर्मेंस में काफ़ी हाइक देखने को मिलता।
हमारे चैनल के 100 ऑफ वीडियोस हमने i5 थर्ड जन वाले लैपटॉप में किया है, तो आप समझ सकते हो कि आप पुराने PCs में भी ये चीज़ें कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, बस आपको थोड़ा पेशेंस ज़्यादा रखना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू न्यू PC। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एडिटिंग सीख नहीं सकते, आप एडिटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक अच्छा मशीन ना हो। यही मैसेज था मेरा आप सभी के लिए कि आप थोड़े लो एंड PCs में भी एडिटिंग एक कर सकते हो एक मीडियोकर लेवल की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।